आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। रामजी तिवारी पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवारी साथ नानक नगर धारी पुरवा नौबस्ता का निवासी है। अवगत कराना है कि प्रार्थी बाबू पुरवा में अपने व्यक्तिगत कार्य से गया था, तभी उसको एक मित्र ने मौलाना तौकीर रजा का एक वीडियो दिखाया, जिसमें मौलाना तौकीर रजा मुस्लिम नौयुवकों को बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर भारत की चुनी हुई सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ललकार रहा था और दिल्ली कूच कर दीवारें हिलाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जिसमें हिंसा भड़क सके। उपरोक्त विपक्षी मौलाना ने यह भी कहा कि नौजवानों को हम लोगों ने अपने काबू में कर रखा है, जिस दिन ये हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे उस दिन इनको मेरी असली संख्या पता चलेगी, इनकी रूह कांप जाएगी। उपरोक्त मौलाना ने अपने बयानों में युवाओं को भड़काकर देश में गृह युद्ध जैसी हालत बनाने का प्रयास किया है। वह और उपरोक्त मौलाना भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध जैसा हालत पैदा करने के लिए कोई ना कोई तैयारी जरूर कर रहे हैं, और क्योंकि प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है और मौलाना के बयान से प्रार्थी की भावनाएं अत्यधिक आहत हुई है, जिससे प्रार्थी को चिंता हुई है कि मौलाना भारत सरकार की चुनी हुई सरकारों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत में आपसी फसाद उत्पन्न हो ऐसे हालात बना रहा है। चूंकि यह मौलाना एक संगठन इतिहाद ए मिल्लत का प्रमुख भी है, यह संगठन बड़ी संख्या में युवाओं को ट्रेनिंग देकर भारत की वर्तमान केंद्र व प्रदेश की सरकारों के विरुद्ध भ्रम फैलाकर उन्हें अस्थिर करने का अपने भाषणों के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।